स्कैन करते ही देखो क्या यहाँ पे कुछ होने वाला है। स्कैन करते ही देखो आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे मैसेज आ गया, दिस इज डीके वर्मा AIO कंप्यूटर जोन। यानी कि जैसे ही दोस्तों आपका कोई भी बंदा आपका QR कोड स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही बंदा यहाँ पे सेंड करेगा SMS तो वो आपके पास आ जाएगा। ना उसको कोई मोबाइल नंबर टाइप करना होगा, कुछ भी उसको टाइप नहीं करना है, डायरेक्ट ये हो जाएगा। तो ये कैसे होगा आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं, और अगर नहीं देखे तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, आप समझ जाइएगा कैसे हम QR कोड स्कैन करके फ़ोन लगा भी सकते हैं, SMS भेज भी सकते हैं। और फ़ोन लगाने की बात करूँ तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है फ़ोन नंबर का, आप इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप डालिएगा। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद इसको डाउनलोड करिएगा, इस QR कोड को। QR कोड को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों ये QR कोड को आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद इस QR कोड को आप यहाँ पे अपने फ़ोन से, मैं फ़ोन दिखा रहा हूँ, अपने फ़ोन से यहाँ पर स्कैन करिएगा दोस्तों। अब जैसे ही यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर QR कोड को स्कैन करता हूँ, इस QR कोड को मैंने स्कैन किया। स्कैन करते ही देखो यहाँ पे ये कॉल आ जाएगा, देखो ये हमारा नंबर शो कर दिया। बस यहाँ पे कॉल वाले टैब पे क्लिक करो, आपका कॉल लग जाएगा। तो ये सब कैसे होता है मैं आप इस वीडियो को देखिए। और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, वाईफाई के लिए आप QR कोड बना सकते हो, ईमेल के लिए, इवेंट के लिए मी कार्ट है ना, URL, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आपको मिलने वाली है। शो आप इसको बना कर देखिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी तरह के QR कोड बनाने के लिए बताऊंगा, वो भी बहुत ही इजी वे में। जैसे QR कोड स्कैन करते ही वेबसाइट ओपन होगा, QR कोड स्कैन करते ही आपका फेसबुक प्रोफाइल ओपन होगा, आपका इंस्टाग्राम ओपन होगा, आपका ट्विटर ओपन होगा, SMS डाल सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये ऑल इन वन वीडियो है जहां पर आप सभी तरह के QR कोड बना सकते हो, चाहे वो कॉलिंग के लिए हो, SMS के लिए हो, सोशल मीडिया के लिए हो, पेमेंट के लिए हो, व्हाट्सएप का लिंक हो, किसी भी तरह का लिंक आप उसमें डाल सकते हैं और उसको स्कैन करते ही वो ओपन हो जाएगा। मैं लाइव यहाँ पर करके भी दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। आप इस चीज़ को अपने मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। गूगल क्रोम आप यूज़ करते हैं, किसी भी ब्राउज़र में जाकर वो टाइप करना है जो हम अभी यहाँ पे टाइप करेंगे, है ना। पीसी में करो, लैपटॉप में करो, मोबाइल में करो, टैब में करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको जो है सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना है QR, ठीक है, QR कोड, ठीक है, टेक IT, QR कोड टेक IT, बस ये लिखना है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखना है दोस्तों, QR कोड टेक IT, ठीक है, ये लिख देना है बस। और इसको लिखने के बाद देखिए यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगा, देख लीजिए ध्यान से इसको आप, ठीक है, देख लीजिए QR कोड .tech.it है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगा तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर दोस्तों URL डाल सकते हो, किसी भी तरह का URL, वो चाहे WhatsApp का हो, Facebook का हो, Instagram का हो, बस इसमें URL डालना है। जैसे कि मैं अपना वेबसाइट डालता हूं और जैसे ही मैं इसको स्कैन करूंगा मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो मैं URL पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वेबसाइट डालेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ऊपर में ये URL है, हम इसको जो है डबल क्लिक करके इसको पूरे को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ नीचे में जो है एक बार प्रेस करिए ताकि यहाँ पे ये QR कोड जनरेट हो जाए। अब इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करिए। अब QR कोड ये बन चुका है, देखिए यहाँ पर ये मेरा जो है डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। अभी देखिए ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना मोबाइल का जो स्क्रीन है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है मेरा मोबाइल का स्क्रीन। अब जो है यहाँ पे हमारा जो है QR कोड स्कैनर है, ये सभी फ़ोन में QR कोड स्कैनर होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं QR कोड है ना, स्कैन QR कोड ये सभी फ़ोन में होता है। ऐसे नहीं होता है तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से QR कोड पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद देखिए हम इसको स्कैन करेंगे, थोड़ा सा दूर से पूरा स्कैन हो जाए। देखिए स्कैन हो गया, स्कैन होते ही देखिए यहाँ पे शो कर गया। स्कैन करते ही दोस्तों यहाँ पे देखो शो कर दिया है वेब एड्रेस,
अब इस पर क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक जो आपने जो वेबसाइट डाला है ये देखो दोस्तों ओपन हो जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है, ये मेरा वेबसाइट जहाँ पे सभी तरह के ई बुक्स हैं। अगर आप कंप्यूटर टीचर हैं, आप बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं, तो यहाँ पर आपको सभी तरह के नोट्स मिलेंगे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर कंप्यूटर नोट्स मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हमारे पास और ऑप्शन है, जैसे कि ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया वेबसाइट का। आप यहाँ पे जैसे मान के चलिए हम डालते हैं अपने फेसबुक का, फेसबुक पेज का लिंक www. लिख सकते हो यहाँ पे facebook.com, ये तो हो गया फेसबुक का URL। अब अपना पेज डाल दीजिए, पेज का हो गया AIO कंप्यूटर जोन, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जब ये ओपन होगा तो दोबारा हम इसको यहाँ से जो है स्कैनर से इसको स्कैन करेंगे और देखेंगे कि मेरा फेसबुक का पेज ओपन होता है या नहीं। आ गया यहाँ पे, स्कैन हो गया। अब देखो ये ऑटोमेटिक फेसबुक पेज ओपन हो गया, देखो ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉगिन करने को बोल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, शायद आपको नहीं दिखा होगा। तो मैं यहाँ पर इस पेज को स्कैन करता हूँ, स्कैन करते ही देखो ये मेरा फ़ोन में दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो ऑटोमेटिक ये हो गया। यहाँ पे लॉगिन करने को बोल रहा है, पहले लॉगिन करो तब होगा। तो फ़ायदा यही तो है, ऑटोमेटिक ओपन होगा। अब यहाँ पे फेसबुक की जगह पे हम इंस्टाग्राम देते हैं www.instagram.com/AIO कंप्यूटर जोन, ठीक है, मैंने लिखा, नीचे क्लिक करेंगे और ये जो QR कोड जनरेट हुआ है इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो यहाँ डाउनलोड हुआ इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों ये देखो ये ओपन हो रहा है। ओपन करने के बाद अब इसको हम स्कैन करके देखेंगे, ये ओपन हो गया। मैं मोबाइल फ़ोन दिखाता हूँ आपको, ये है मेरा मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओपन करते हैं QR कोड स्कैनर, जैसे हम इसको स्कैन करेंगे दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों देखिए, देखिए दोस्तों स्कैन करते ही हमारा इंस्टाग्राम ओपन हो गया, दिख रहे हैं आप, ये देखो यहाँ पर ये मेरा ओपन हो रहा है, देखिए इंस्टाग्राम हो गया ना ओपन। पहले यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप लॉगिन कर लो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि लॉगिन करोगे तभी तो देख पाओगे, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, जैसे ही स्कैन करोगे आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, आप ईमेल भी डाल सकते हो। ईमेल में देखो क्या क्या है यहाँ पे, टू, ठीक है, टू अब किसके पास भेजना है, तो मेरे को भेजना है AIO help AIO कंप्यूटर जोन.com, ये ईमेल हो गया। सब्जेक्ट मान लीजिए कि ई बुक्स का हम कोई सब्जेक्ट लिख दो ई बुक्स, और क्या लिखना है बॉडी में, जैसे कि लिखना है प्लीज़ गिव मी ई बुक्स। अब ये हमारा ईमेल के लिए बन गया, अब ये डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद QR कोड ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे हम इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही देखो दोस्तों अपने आप ईमेल आ जाएगा, देखो देखो आ गया है ना, व्यू फुल टेक्स्ट, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं मोबाइल दिखाता हूँ, देखो मैंने स्कैन किया, मैं फिर से स्कैन करके दिखाता हूँ, शायद बोलोगे कि आपने स्कैन नहीं किया। मैंने यहाँ पर इसको स्कैन किया, ये है मेरा स्कैनर, मैं इससे स्कैन करता हूँ दूर से, हमने स्कैन कर लिया, स्कैन कर दिखवा गया है ईमेल एड्रेस, और भी बहुत सारे यहाँ पे वाईफाई के लिए, ट्विटर के लिए है, SMS के लिए है, आप SMS पे क्लिक कर सकते हो। फ़ोन नंबर डालो यहाँ पे, ठीक है, फ़ोन नंबर डाला कि 6287 32 87 95, और मैसेज में डालते हैं हाय, ये हमने मैसेज के लिए भी डाल दिया। अब यहाँ पे हमारा हो गया, अब इसको QR कोड डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये QR कोड को जो हम ओपन कर रहे हैं इसको हम अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इसको स्कैन करेंगे। QR कोड देखो यहाँ पे ओपन कर देते हैं, जो डाउनलोड हुआ है ना, डाउनलोड मेरा ये हुआ है, तो हम इसको स्कैन करेंगे, फ़ोन देख लो बगल में, इसको स्कैन हमने किया। अब दोस्तों देखो ये देखो ऑटोमेटिक, देखो हाय आ गया, देख लो यहाँ पे हाय का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि हमने मोबाइल नंबर डाला था और हाय लिखा था। कितना मस्त ऑप्शन है दोस्तों, कि जैसे ही हमने QR कोड स्कैन किया और ये SMS ऑटोमेटिक आ गया। दोस्तों मैं फिर से दिखाता हूँ, दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पे जो है अपना QR कोड डाउनलोड किया था, मैं QR कोड को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से अपना फ़ोन पहले दिखाता हूँ, और ये देखो यहाँ मेरे यहाँ पे QR कोड स्कैनर है,
मैं इस QR कोड को दोस्तों स्कैन करता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से, और स्कैन करते ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने स्कैन किया और स्कैन करते ही ऑटोमेटिक SMS आ गया, यहाँ पे हाई लिखा हुआ भी आ गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम QR कोड बना रहे थे, जब हम यहाँ पे QR कोड बना रहे थे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो हमने यहाँ पर लिखा था अपना मोबाइल नंबर और अपना मैसेज। अब मैसेज में अगर मैं लिखूँगा दिस इज़ DK वर्मा, मैंने लिखा ये ऐसे ही नॉर्मली AIO कंप्यूटर जोन, ठीक है, और हमने मोबाइल नंबर डाला। आपको मोबाइल नंबर डालना है और अपना मैसेज टाइप कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे एक बार ऐसे ही क्लिक कर लो और आपका जो QR कोड है यहाँ पे, इसको QR कोड को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद QR कोड जो है आप यहाँ पे ओपन करो। QR कोड ओपन करने के बाद अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन से दोस्तों इसको यहाँ पे स्कैन करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको स्कैन किया, स्कैन करते देखो क्या यहाँ पे कुछ होने वाला है। स्कैन करते ही देखो आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे मैसेज आ गया, दिस इज DK वर्मा AIO कंप्यूटर जोन। यानी कि जैसे ही दोस्तों आपका कोई भी बंदा आपका QR कोड स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही बंदा यहाँ पे सेंड करेगा SMS तो वो आपके पास आ जाएगा। ना उसको कोई मोबाइल नंबर टाइप करना होगा, कुछ भी उसको टाइप नहीं करना है, डायरेक्ट ये हो जाएगा। तो ये कैसे होगा आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं, और अगर नहीं देखें तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, आप समझ जाइएगा कैसे हम QR कोड स्कैन करके फ़ोन लगा भी सकते हैं, SMS भेज भी सकते हैं। और फ़ोन लगाने की बात करूं तो आप यहां पे क्या करिएगा, यहां पे आपको ऑप्शन आता है फ़ोन नंबर का, आप इस पर क्लिक करिएगा और यहां पे अपना मोबाइल नंबर आप डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसको डाउनलोड करिएगा, इस QR कोड को। QR कोड को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों ये QR कोड को आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद इस QR कोड को आप यहाँ पे अपने फ़ोन से, मैं फ़ोन दिखा रहा हूँ, अपने फ़ोन से यहाँ पे स्कैन करिएगा दोस्तों। अब जैसे ही यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे QR कोड को स्कैन करता हूँ, इस QR कोड को मैंने स्कैन किया, स्कैन करते ही देखो यहाँ पे ये कॉल आ जाएगा। देखो ये हमारा नंबर शो कर दिया, बस यहाँ पे कॉल वाले टैब पे क्लिक करो, आपका कॉल लग जाएगा। तो ये सब कैसे होता है मैं आप इस वीडियो को देखिए। और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, वाईफाई के लिए आप QR कोड बना सकते हो, ईमेल के लिए, इवेंट के लिए मी कार्ट है ना, URL, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आपको मिलने वाली है। शो आप इसको बना कर देखिए।